नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू द बिजार्ड इन्फो डिफेंस। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है रूस की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं एक बात बता देना चाहूंगा कि भारत रूस से S-400 की डील किया था आज से करीब 4 साल पहले। और दोस्तों यह डील उस वक्त हुआ था जब चीन और भारत के बीच में तनाव बढ़ता ही जा रहा था। दोस्तों आप सभी लोग पता होगा कि भारत और चीन के बीच में ढोकलाम विवाद हुआ, उसके बाद गलवान घाटी की वाकया के बाद भारत को सख्त जरूरत हो रही लेकिन इन सभी हथियारों की, क्योंकि दोस्तों जो S-400 है वो किसी भी लड़ाकू विमान मिसाइल को बीच में ही मार गिराने में सक्षम है और जिसकी रेंज है करीब 400 किलोमीटर। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा, कुछ नई अपडेट निकल कर सामने आई है, तो बिना वक्त के बाद चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लोगों ने एक बात रिकॉग्नाइज किया होगा कि कुछ दिनों से भारत और रूस के बीच में जो संबंध है वो काफ़ी ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बता दें कि जो रूस है वो अमेरिका के काफ़ी खिलाफ़ है और जो चाइना है वो भी अमेरिका के काफ़ी खिलाफ़ है। और चाइना और रूस एक मिल गए जो कि भारत को पसंद है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में दुश्मनी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और दोस्तों इसी का नतीजा है कि अब जो भारत की जो संबंध है रूस से काफ़ी ख़राब होने लगे थे। मगर दोस्तों भारत अभी भी रूस का एक बहुत ही बड़ा साझेदार है, इसको ध्यान में रखते हुए रूस भी समझता है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि भारत अपने 50% से ज़्यादा हथियार रूस से ही खरीदता है और इनकी मेंटेनेंस की ज़रूरत भी रूस से ही की जाती है। और जबकि यदि हम लोग रूस की बात करें तो रूस अधिकतर अपने हथियार भारत को ही बेचता है और वहाँ पर रूस को भारत से काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है और वहाँ की इकोनॉमी भी एक तरीके से हथियारों पर ही टिकी होती दोस्तों है। बात करते हैं हम लोग S-400 की। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका ने काफ़ी दबाव डाला था कार्सा के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाने के लिए, क्योंकि दोस्तों अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत S-400 खरीदे। दोस्तों कार्सा एक ऐसा प्रतिबंध है जो कि किसी भी देश को रूस से हथियार खरीदने के लिए प्रतिबंध करने की क्षमता रखता है। और दोस्तों आपको बता दें कि भारत के दौरे पर आए कुछ दिनों पहले अमेरिका के डिफेंस चीफ लॉर्ड ऑस्टिन ने भी कहा था कि भारत को रूस से S-400 डील नहीं करनी चाहिए, मगर दोस्तों भारत अपनी रक्षा जरूरतों को ध्यान रखते हुए इसकी डील अब फाइनल कर दी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसी साल अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच में कभी भी भारत को पहला बैच मिल सकता है। और दोस्तों इसी के तहत भारत ने अपने विशेषज्ञों की टीम को भी एक तरीके से रूस में ही भेज दिया है जनवरी के महीने में ही, ताकि S-400 चलाने की पूरी ट्रेनिंग ली जा सके। दोस्तों अब इतना तय हो चुका है कि भारत अब पूरी तरीके से S-400 खरीदते ही रहेगा, चाहे अमेरिका प्रतिबंध लगाए या न लगाए। और दोस्तों एक बात ये भी कहा जा रहा है, अमेरिका में भी S-400 को लेकर के भारत पर प्रतिबंध लगाने के लिए दो खेमों में बट गई है। एक तो बोलते हैं कि भारत प्रतिबंध लगाइए और एक तो खेमा बोलता है कि भारत पर प्रतिबंध न लगाइए। दोस्तों आपका क्या ख्याल है, क्या अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, आप तक ऐसे ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट सबसे पहले मिलती रहेगी।